तो हेलो गाइस, तो नोकिया जल्द ही लेकर आने वाला है एंट्री लेवल स्मार्टफोन जो कि रहेगा नोकिया C2 Bear। इस फोन का प्राइस 6000 से भी नीचे रहने वाला है। तो नोकिया C2 Bear में क्या क्या स्पेशल देखने को मिलेगा, ये कब तक इंडिया में देखने को मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नोकिया C2 Bear के डिस्प्ले से। 6.3 इंच के HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले देखा जाए तो इंटेल लेवल स्मार्टफोन के हिसाब से डिस्प्ले इसका नॉर्मल सा रहने वाला है। कैमरा के बारे में अगर बात करते तो नोकिया C2 Bear में हमें 8 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। सेल्फी में हमें 5 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलेगा। तो कैमरा में भी ये स्मार्टफोन एक एवरेज स्मार्टफोन रहने वाला है नोकिया C2 Bear। परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो परफॉर्मेंस के लिए नोकिया C2 Bear में हमें यूनिसॉक SC9863A प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि 28 नैनोमीटर आर्किटेक्चर बेस रहेगा। तो परफॉर्मेंस हमें काफी एवरेज देखने को मिलेगा। डे टू डे टास्क ये फोन आसानी से कर लेगा मगर हाई यूज में ये फोन पूरी तरह से लैग करेगा। तो नोकिया C2 Bear देखा जाए तो परफॉर्मेंस के मामले में काफी एवरेज स्मार्टफोन होगा। रैम ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो 2GB रैम के साथ हमें 64GB इंटरनल ऑप्शन देखने को मिलेगा और ये फोन रन करेगा एंड्रॉइड 12 गो एडिशन पर। नोकिया C2 Bear की अगर बैटरी के बारे में अगर बात करें तो 3000 mAh बैटरी देखने को मिलेगा। हमें चार्जर में हमें 5W का चार्जर देखने को मिलेगा। तो बैटरी और चार्जिंग में ये काफी एवरेज रहने वाला है। कम से कम यहाँ पर 5000 mAh बैटरी होना चाहिए था। तो बैटरी के हिसाब से देखा जाए तो नोकिया C2 Bear बहुत ही एवरेज रहने वाला है। नोकिया C2 Bear के अगर उधर फीचर के बारे में बात करें तो ब्लूटूथ 5.2, 3.5 mm ऑडियो जैक, माइक्रो USB चार्जर, फेस अनलॉक देखने को मिलेगा। और यहाँ पर नोकिया ने क्लेम किया है कि 2 ईयर्स का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेगा मगर यहाँ पर हमें OS अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि एंड्रॉइड 13 और 14 देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ हमें सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेगा। नोकिया C2 Bear के प्राइस के बारे में अगर बात करें तो 6000 के आसपास रहेगा। देखा जाए तो नोकिया C2 Bear जिस प्राइस रेंज के हिसाब से आ रहा है उसके हिसाब से एक एवरेज स्मार्टफोन रहने वाला है नोकिया C2 Bear। आपका क्या कहना है नोकिया C2 Bear के बारे में कमेंट पर जरूर लिखेगा। वीडियो पसंद आया है तो आपको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम ऐसे ही और भी अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में हम वीडियो लाते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे और एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।